इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी के कॉल्स को जो है इग्नोर करना चाहते हैं कि हमारे फ़ोन पर आए ना और हम ब्लॉक भी ना करें जिससे कि दूसरे बंदों को बुरा भी ना लगे। तो ये कैसे कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर डायलर में जाना पड़ेगा, तो डायलर में यहाँ पर हम चलते हैं क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे ऊपर तीन लाइनें दिखाई देंगी, इस पर जाना है टिक करके और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल सेटिंग्स, कॉल कॉलिंग अकाउंट सब मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स पर जाना है और यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स। कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर कोई सा भी एक सिम ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पर उसे चला देना है। अब कॉल इग्नोर करनी पड़ेगी, तो देखिए ज़्यादातर जो होगी वो ज़्यादातर हमें इग्नोर करनी पड़ेगी जो कॉल्स होगी, और हम किसी को ब्लॉक भी नहीं करेंगे उस सिचुएशन में। उसको लगेगा भी नहीं कि ब्लॉक कर रखा है या कुछ कर रखा है। आप नंबर ही ऐसे ऐड करिएगा यहाँ पर जिससे कि उसको ऐसा लगे कि फ़ोन बंद है, या आपके पास कोई सिम पड़ा हुआ हो जो बंद है उसका नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी रीडिंग चल रही है, रीडिंग चलने देते हैं, उसके बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑलवेज फॉरवर्डिंग पर, देखिए मेरा नंबर लगा है 9090, तो आप अपना नंबर ऐसा डाल लीजिए जो बंद हो, तो जब भी कोई कॉल मिलाएगा फिर उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद, तो उसको लगेगा कि यहाँ पर ये, जैसे कि मान के चलिए ये हम नंबर ऐसा ऐड कर लेते हैं जो कि फ़िलहाल बंद है, तो उसके बाद ये जब भी कोई कॉल करेगा तो हमारा फ़ोन बन जाएगा ना, हमें ब्लॉक भी करना नहीं पड़ेगा, और चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।